बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुमान में रखे और अल्लाह ताला इस माह रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ सबको नसीब करे। अभी कुछ ही दिन रह गए हैं इस रमज़ान शरीफ को, तो अभी मैं आई हूँ बाहर अपने गार्डन में, क्योंकि मुझे कुछ मिंट चाहिए था और कुछ पालक थोड़ी सी चाहिए थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पालक भी काट ली है और साथ में जो मैंने ऑनियन लगाया था वो भी काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसको भी मैंने काट लिया है। क्योंकि आज इस तरह के बहुत सारे काम करने हैं मेरे पास। चटनी भी तकरीबन फिनिश हो चुकी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, क्योंकि मैं चटनी ना कुछ बनाकर फ्रीज कर देती हूँ, क्योंकि जो आइस क्यूब्स होते हैं तो उसमें मैं वो डाल देती हूँ, तो फिर फ्रीज़र में रख कर फिर उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब फिर मुझे बनानी होती है तो फिर इतना टाइम नहीं लगता बनाने में, सिर्फ योगर्ट ही उसमें ऐड करना होता है और नमक वगैरह। और धनिया जो है ना वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, जहाँ पर काट कर मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है। नीचे टॉवल पेपर रखती हूँ, फिर धनिया डालती हूँ, फिर उसके ऊपर टॉवल पेपर रख कर तो फिर मैं एक कंटेनर में डाल लेती हूँ, तो तकरीबन पूरा हफ्ता ऐसे ही हमारा गुजर जाता है। तो और यहाँ पर मैंने आज जो ड्राई मसाले थे उनको भी मैंने पीसना था, तो वो भी साथ साथ में पीस रही हूँ। गरम मसाला और धनिया दोनों को मैंने पीस लिया है और इनको मैंने बॉटल्स में डाल कर रख दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम निकल आते हैं जिनको करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी ठीक था, और लेकिन अभी बादल भी आए हुए हैं। तो आज जो इफ्तारी है वो नेफ्यू ने भेजी है, तो अभी वो देकर गए हैं, तो मैंने सोचा चलें मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अल्लाह ताला इस इफ्तारी का उन्हें अजर दे, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने भेज दी थी। तो जब शाम का टाइम आता है तो घर में रौनक सी लग जाती है, हर घर में इफ्तारी बन रही होती है, लेकिन अभी ये भी कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अल्लाह ताला इनके दस्तरखान को वसी कर दे और इस चीज़ का उन्हें अजर दे। इतने प्यार से उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाकर हमारे लिए भेजी हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो बस यही पर आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।